नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। पटना में बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी का मामले में एक नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज अनंत सिंह और लल्लू मुखिया सरेंडर कर सकते हैं। आपको बता दें कि बारकोट से लेकर पटना सेल कोर्ट तक पुलिस की तैनाती की गई है। हालांकि बिहार झारखंड समेत अन्य कई जगहों पर अभी भी छापेमारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीते 17 अगस्त को पुलिस ने सरकारी आवास में आधी रात को छापेमारी की थी। उससे पहले पुलिस ने 16 अगस्त को बाहर के लदमा गांव में पुलिस ने एक AK-47 और दो हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए थे, जिसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के बातें जो है लगातार तेज हो गई। और आपको बता दें कि आज जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आज अनंत सिंह अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, वहीं अगर हम बात करें कल की, तो जिस तरह से हाईकोर्ट से ये ऑर्डर आई थी कि उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, हालांकि कुछ दिनों पहले आपको बात करें अनंत सिंह ने, तो उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वो खुद को समय चाहते हैं और वो खुद को एक दो दिन के बाद सरेंडर कर देंगे पुलिस के सामने। 14 साल जो हम घर नहीं गए, नीपी सिंह खुद अपने ले गए हैं, अपने खुद दिखाए 14 साल जो हम घर नहीं गए। आज दुश्मन के हमारे घर एक है, एक प्लॉट है, एक घर है, वहां जाके के 47 रखेंगे। तीसरा सवाल है, आपने कहा था नीतीश कुमार से गुहार लगाएंगे, दस जो समय मांगे समय हमको नहीं मिला, दूसरा बीमार पड़ गया, हम देखने के लिए चलाए। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने छापेमारी लगातार अभी तक जारी रखी है। आपको बता दें कि पुलिस ने जो वीडियो आया था, उस वीडियो में पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा था उसको देख करके पुलिस ने एनएच से लेकर के पटना बोरिंग रोड, डाक बंगला समेत कई जगहों पर, चाहे होटल हो या फिर सड़कों या फिर किसी के घर में या फिर अनंत सिंह के परिजनों की अगर बात करें, तो घर तक हर जगह छापेमारी लगातार अभी भी जारी है। वहीं पुलिस ने अनंत सिंह की पत्नी से भी पूछताछ की है। हालांकि जिस तरह से बातें अभी भी सामने आ रही हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है या फिर नहीं, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी ये कहना है कि जिस तरह से वो ऑडियो जो वायरल हुआ था, उसके बाद जैसे अनंत सिंह के वॉइस सैंपल की जांच की गई थी, उसके बाद जिस तरह से तेजी दिखाते हुए पुलिस ने AK-47 भी बरामद किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथों कामयाबी तो लग चुकी है, लेकिन अनंत सिंह के अभी भी गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस शायद उन्हें नहीं गिरफ्तार कर पाएगी। लेकिन हम आपको बता दें एक बार फिर कि जिस तरह से बाढ़ के एसपी लिपी सिंह ने कड़ा कदम उठाया और वो लगातार छापेमारी करके अभी भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी में लगी हुई है, देखना यह है कि क्या अनंत सिंह आज खुद को सरेंडर कर पाते हैं या फिर नहीं, या फिर पुलिस उनको गिरफ्तार कर पाती है नहीं, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज़ 11। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।